नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारत रक्षा दल के नेतृत्व में आजमगढ़ जिले की बंद विद्युत आपूर्ति को बहाल करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 36 घंटे से हम लोगों के क्षेत्र की बिजली गायब है। बिजली ना होने से बिजली क्या पानी भी नहीं मिल रही है, जिससे नहाना धोना, खाना बनाना व शौचालय जाने के लिए भी पानी नहीं है। बीमारों बच्चों का बुरा हाल है, अब रहा नहीं जा रहा है। या तो विद्युत आपूर्ति बहाल हो या तुरंत हर घर को पानी देने की व्यवस्था कर दी जाए ताकि लोग जिंदा रहें। आपसे व्यवस्था बहाल कराने की प्रतीक्षा में, यदि व्यवस्था नहीं हुई तो हम लोग सपरिवार आपातकारियों के आवास पर सपरिवार खाना खाएंगे। हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। मामला तो बताना नहीं है, शायद आप भी पीड़ित होंगे, आपकी मोबाइल डिस्चार्ज हो रही होगी, आपका ये नेट फेल हो रहा होगा, सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। 36 घंटा हो गया, लाइन नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही है, न घर में खाना पानी है, न खाना बन रहा है, न सोने की प्रॉब्लम खड़ी है, तो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये सारी व्यवस्था प्रशासन की है, सत्ता की है। अब कैसे कट रही है, क्या कट रहा है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं। हम बिजली बिल अदा करते हैं, अब बगैर खाने हम नहीं मरेंगे। और तो हम लोगों ने आज अल्टीमेटम देने, अगर आज बिजली नहीं आई तो हम अपने आला अधिकारियों के घर शाम को बाल बच्चों के सहित आज शाम उन्हीं के घर लैट्रिन, उन्हीं के घर खाना खाएंगे।